नमस्कार दोस्तों, आप सबको आज टैक्स के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करता हूं। एक तनख्वाह में कितनी बार टैक्स दूं, मतलब एक तनख्वाह से कितनी बार टैक्स दूं। मैंने 30 दिन काम किया, तनख्वाह ली, इनकम टैक्स दिया, मोबाइल ख़रीदा टैक्स दिया, रिचार्ज किया टैक्स दिया, डेटा लिया टैक्स दिया, बिजली ली टैक्स दिया, घर लिया टैक्स दिया, टीवी फ्रिज ली टैक्स दिया, कार ली टैक्स दिया, बाइक लिया टैक्स दिया, पेट्रोल ली टैक्स दिया, सर्विस करवाई टैक्स दिया, रोड पर चला तो टैक्स दिया, टोल पर भी टैक्स, लाइसेंस बनवाया तो टैक्स, गलती की तो टैक्स, रेस्तरा यानी कि होटल में खाना खाया तो टैक्स दिया, पार्किंग की तो टैक्स, पानी लिया तो टैक्स, राशन खरीदा तो टैक्स, कपड़े खरीदे टैक्स दिया, जूते खरीदे टैक्स दिया, किताबें ली टैक्स दिया, टॉयलेट गया तो टैक्स दिया, दवाइयाँ ली तो टैक्स दिया, गैस ली तो टैक्स दिया, सैकड़ों और चीज़ें ली और टैक्स दी, कहीं फीस दी, कहीं बिल, कहीं ब्याज दिया, कहीं जुर्माने के नाम पर तो कहीं रिश्वत के नाम पर पैसे देने पड़े। ये सब ड्रामे के बाद गलती से मैं सेविंग कर ली, बचा लिया तो फिर टैक्स दिया। सारी उम्र काम करने के बाद कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, सड़कें ख़राब, स्ट्रीट लाइट ख़राब, हवा ख़राब, पानी ख़राब, फल सब्जी जहरीली, हॉस्पिटल महंगे, हर साल महंगाई की मार, आकस्मिक खर्चे एवं आपदाएं, उसके बाद हर जगह लाइनें, सारा पैसा गया कहाँ, करप्शन में, इलेक्शन में, अमीरों की सब्सिडी में, माल्या जैसे को भगाने में, अमीरों के फर्जी दिवालिया होने में, स्विस बैंकों में, नेताओं के बंगले और कारों में, रहा सहा विधायक खरीदने में, और हमें झंडू बाम बनाने में। अब किसको बोलूं कौन चोर है? आखिर कब तक हम सभी देशवासी यूं ही घिसटती जिंदगी जीते रहेंगे? ज़रा सोचिएगा, बताइएगा, कमेंट, लाइक और शेयर। अगर शेयर करते हैं तो मेरे भाई लोग जितने भी इस पूरे पृथ्वी पे हैं सभी के पास ये वीडियो जाएगा, पहुंचेगा और जानेगा सच्चाई। धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद इंकलाब, जिंदाबाद।